अब ऐसा बताया जा रहा है कि भैया पूरी दुनिया कोरोना वायरस के चपेट में है और आप किसी से बिल्कुल भी हाथ ना मिलाएं। क्या है चुम्मा, तुम मुझको उधार। हाथ नहीं मिलाना था ना, तो मैंने चुम्मा ले ली। कैसे हो भैया, कंपनी लॉन्च किया Realme 6 और 6 Pro। मेरे हाथ में Realme 6, इसके बारे में अपने ओपिनियन बताने से पहले बताना चाहूंगा कि कंपनी ने कुछ इसमें ऐसा नहीं किया जिससे हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएं। लेकिन पिछले कुछ समय से Realme बहुत बेहतरीन काम करता आया है, हमें कम कीमत पर ज्यादा से ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन देता है। तो ऐसे में लोग इंतजार कर रहे हैं Realme के फोन का क्या है क्या ना है। तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं इसके थोपड़े से। तो ये है Realme 6। सबसे पहले बैक से डिजाइन को देखें तो कंपनी ने इसमें व्हाइट डिजाइन दिया है। व्हाइट को लेकर लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, किसी को ये बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, मुझे ये उतना सुंदर नहीं लगता, थोड़ा सा मतलब ऐसे खिलौना सा लगता है। लेकिन चलो, सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स हैं। और अगर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले दी है। और इसमें आप देखो, इसमें नॉच नहीं दिया, धन्यवाद भैया कंपनी का कि इस बार नॉच नहीं दिया। हाँ, बट लेकिन साइड में पंच होल आपको कैमरा दिया है। और एक अजीब बात यही, कंपनी ने इसमें OLED वाले ने दी, स्पेसिफाई भी नहीं किया ये LCD डिस्प्ले है, क्योंकि अगर इसमें जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो साइड में दिया है और पावर बटन पे, और जो ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो LCD में काम नहीं करता। हाँ, इसमें एक कंपनी ने काम कर दिया, इसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया है जिसे आप 60Hz पर भी चेंज कर सकते हो। ये ठीक है, रिफ्रेश रेट से क्या होता है कि मतलब आपको थोड़ा स्मूथ एक्सपीरियंस मिल जाता है, ये आपको जल्दी से पता नहीं चलेगा। यदि आप 60Hz का जो नॉर्मल फ़ोन इस्तेमाल करते हो या क्लोजली जब आप देखोगे तो ये बहुत स्मूथ काम करता है। इसमें जो एक अजीब बात है वो जो ये साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये बढ़िया काम कर रहा है, 0.28 सेकंड में खुल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो ये साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर देने का जो चलन चला है ना, मतलब लोगों को ना आदत चेंज करने में बड़ी दिक्कत आती है। जैसे अब ऐसे साइड में दे दिया तो आदमी का कुछ ऐसे हो गया जैसे वो आदमी पहले देसी शीट इस्तेमाल करता था वॉशरूम में, और फिर उसे इंग्लिश शीट पे बैठा दी तो फिर उसकी उतरती नहीं है। ये क्या एग्जाम्पल है। कंपनी ने बहुत ज़्यादा काम किया है इसके कैमरे पर। इसमें है क्वेड कैम, 64 मेगापिक्सल का ये जो मेन कैमरा है, जहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे स्पीकर के साइड में बना देते हैं ना। और जो सेकंड कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है अल्ट्रा वाइड के लिए, 2 मेगापिक्सल का इसमें मैक्रो है और 2 मेगापिक्सल ही डेप्थ के लिए है। कैमरे में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, स्पेशली 64 मेगापिक्सल का अलग से दिया है। मोर में आपको टाइम लैप्स है, स्लो मो है, अल्ट्रा मैक्रो है। अल्ट्रा मैक्रो का सही है, बहुत क्लोजली भी आप जाएंगे तो आपको उंगलियों की धारियां भी दिखा देता है, बिल्कुल ही अल्ट्रा मैक्रो सही है भाई। बाकी 64 मेगापिक्सल का दिया है, पोर्ट्रेट मेड मोड है, वीडियो नाइट मोड भी इसमें दिया है। स्क्रीन पर आप इसके सैंपल्स देखें तो बहुत ही अच्छे इसके सैंपल्स आए हैं। पोर्ट्रेट मोड को भी इसमें सही से फोकस किया है, बैकग्राउंड को ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है। इसमें 10x का जूम आपको दिया है। Realme ने इसकी वीडियो के स्टेबलाइजेशन पर भी बहुत ध्यान दिया है। यदि आप वीडियो में देखो तो आपको वीडियो काफ़ी स्टेबल मिलेगी, इट्स इम्प्रेसिव। के सुंदर मुखड़े चांद से टुकड़े के लिए भी इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैम है, जिसमें भी आपको पोर्ट्रेट मोड फोटो तो दे ही गई, मोर में भी आपको टाइम लैप्स और पैनोरामा दिया हुआ है। अगर फ्रंट कैम के आप सैंपल देखो तो मैं बहुत ही इसमें सुंदर लग रहा हूँ, और नाइट मोड में भी ये अच्छे फोटो दे रहे हैं। तो कैमरे के नाम पर कंपनी ने बहुत बढ़िया काम किया है। गेमर्स के लिए बहुत खुशी की बात है, इसमें मीडियाटेक का हीलियो G90T दिया है, जो स्पेशली गेमर्स के लिए बनाया गया प्रोसेसर है, जिसमें माली फलाना ढिमक्का है। इसमें जो GPU दिया हुआ है वो माली G76 दिया है, मतलब PUBG, Asphalt वगैरह आप मस्त करके खेलोगे बिना किसी लैग के, आपको पूरा मजा आएगा। और क्योंकि कंपनी को पता है गेमर्स की आदत बहुत गंदी होती है, फोन का कुत्ता बना के रखते हैं भाई साहब, और बैटरी तो ऐसे चूसते हैं जैसे मच्छर खून। तो आपके लिए 4300mAh की बैटरी दी है विद फास्ट चार्जिंग, फ्लैश चार्ज मिलेगा, मतलब 55 मिनट के करीब में आपका फोन फुल चार्ज हो जाएगा। तो भैया ऐसी की तैसी।
रियलमी 6 का जुर्माना है 13,000 रुपए। अगर मेरा ओपिनियन पूछो तो कंपनी ने बहुत सारी चीजें बहुत बढ़िया दी हैं, कैमरा, प्रोसेसर, डिजाइन वगैरह बहुत बढ़िया दिया। अगर कुछ चुभ रहा है तो वो है एलसीडी डिस्प्ले। बाकी आपको तो सब पता ही है, आप अपने विचार भी हमें कमेंट में बताएं। और मैं कंपनी से बात कर रहा हूं या मैं खुद से अरेंज कर रहा हूं कि मैं आपके लिए इसका रियलमी 6 का या 6 प्रो का जल्द ही गिव अवे लाऊंगा। 8 मार्च को जो दो गिव अवे चल रहे हैं, आईफोन 11 प्रो का और रियलमी C3 का, उनमें आप पार्ट ले लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। उसके बाद रियलमी 6 का भी हम गिव अवे अनाउंस कर देंगे। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई, इतनी खुशी आज तक नहीं हुई।